लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को भी पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती थी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले शुरुआत में जब इसको बनाया गया था, तो इसको स्टेट लेवल के अंडर में रखा गया था, फिर स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी डिसीजन लेती थी। इसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया गया था इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर सेट अप इन विलेजेस एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली इन ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेट्स में पंचायत समिति, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये सबको सेटअप स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली टू दीज लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी आएगी? गांव में क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, छोटे शहरों में नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी, और बड़े शहरों में म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आती है। सबसे पहले जब इसको शुरू किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, उस समय इसको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, न तो इसके इलेक्शन होते थे और ना ही ये अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकती थी, मीन्स इसको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया था। Moreover, these local bodies did not have any powers or resources of their own. इन local self government को अपनी तरफ से कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, ये अपनी इच्छा अनुसार कोई भी decision या कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। Thus, decentralization remained an unutilized and dormant concept. इसी प्रकार जब decentralization को शुरुआत में शुरू किया गया था, local self government को शुरू किया गया था, तब इसका जो यूजफुल मीन्स इसको ये जो टायर बनाया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ज्यादा यूजफुल प्रूफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको खुद की कोई भी पावर्स नहीं दी गई थी। इसके लिए जो भी डिसीजन लेना थे वो कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 में हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। इसमें जो बेटा सबसे पहले
परमिशन राज्य चुनाव आयोग भी ही लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको अपने पावर्स लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ेगी. छोटी स्टेट गवर्नमेंट के पास आय आएगी, जो भी इनकम होगी टैक्स से उसको लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी. मीन्स अपनी आय में से लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी इनकम. द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस सेविंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. हर एक स्टेट में ये जो वेरिएशन है स्टेट
पंचायत समिति बनाई जाती है, एक दो या दो से अधिक गाँव को मिला के पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। उसके जो सदस्य होंगे उनको पंच बोला जाता है, जो हेड होगा उसको क्या बोला जाता है, सरपंच। नेक्स्ट, दीज काउंसिल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन पीपल ऑफ ऑल अबव एज 18 लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। अब जो पंचायत समिति होगी या ग्राम पंचायत होगी उनके सदस्यों को कौन चुनते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स। कौन चुनते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, एक ही गाँव में जो भी वोटर्स होते हैं, वोट देने वाले, मीन्स जिनकी एज 18 से ऊपर होगी वो सभी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। द ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। जो ग्राम पंचायत होगी, जो ग्राम पंचायत होगी वो पूरे गांव के लिए डिसीजन लेगी, पूरे गांव के लोगों के लिए डिसीजन लेगी, कानून बनाएगी, एंड इट वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत होगी किसके अंडर में काम करेगी बेटा, ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही मिलकर ग्राम पंचायत को बनाते हैं, ग्राम सभा के लोग ही उसके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जो भी एक गांव में वोटर्स होंगे जिनकी रेटिंग से ऊपर होगी या जो वोट देने लायक होंगे वो सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। द ग्राम सभा हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू इट्स परफॉर्मेंस। ग्राम पंचायत की बेटा बैठक, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होगी, बैठक होगी, वो साल में कम से कम दो या तीन बार होती है। कितनी बार, ट्वाइस और थ्राइस, दो बार या तीन बार। इसमें क्या किया जाता है, जो गांव के प्रॉब्लम्स होती, गांव की प्रॉब्लम्स होती उनको सॉल्व आउट किया जाएगा। गांव के लिए जो, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है वो इस मीटिंग में होगी। अब व्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। जो ग्राम पंचायत होगी छोटी होगी तो उन सब ग्राम पंचायत में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी या ब्लॉक या मंडल। क्या बोला जाएगा, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। किससे बनती है, दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर। तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी, उसके ऊपर पंचायत समिति। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ द एरिया। ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स होंगे वो पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे। और ग्राम पंचायत जो एक ग्राम पंचायत है उसके मेंबर्स को कौन चुनते थे, ग्राम सभा। ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। उस क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत होगी उसके मेंबर्स मिलके पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनेंगे। सबसे पहले क्या आया था, ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद